वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 20वां पार्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 20वां पार्ट है। इससे पहले हम सामान्य ज्ञान के 19 वीडियो और करंट अफेयर्स के 15 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोज में से एक सिंगल भी वीडियो मिस किया है तो उसे आप जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे ही वीडियो आपके पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने फरवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है, फरवरी 2018 तक के करंट अफेयर को हमने कवर कर लिया है, और इसके बाद वाली वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन जितनी वीडियो हमने करंट अफेयर की अपलोड कर दी है, इतनी आप कवर कर लीजिए। जहां तक संभावना है यहां तक ही आपसे पूछा जाएगा। फरवरी के बाद की भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और अप्रैल से तो हमने डेली करंट अफेयर की मॉर्निंग में वीडियो स्टार्ट कर दी है, तो आप डेली करंट अफेयर की मॉर्निंग वाली वीडियो जरूर देखा करें। आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करके बराबर वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, उसके बाद हम हमारा 20वां पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। मसालों का बागान कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है? केरल को। और मैंने ये क्वेश्चन आपको जब डिस्कस किया था तो आपको याद भी कराया था कि जब टाटा संपन्न मसालों का एड आता है, टीवी में आपने एड देखा होगा, तो उसमें जो आदमी आता है वो कहता है केरल के बागानों से लाए हुए मसाले हैं। तो उस एड से आप लिंक करके इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट होता है। और केरल की बात आई है तो मैंने आपको बताया, जब भी आप केरल का नाम सुने आपके माइंड में पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांत घाटी आ जानी चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन केरल से बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपसे हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। आप आंसर जरूर किया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा 20वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितने? 25 करोड़ वर्ष। हम जियोग्राफी के पार्ट अपलोड कर रहे हैं, हिस्ट्री हमारी कवर हो चुकी है, पॉलिटी कवर हो चुकी है, और जियोग्राफी में भी इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्रह्मांड से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उसके बाद ज्वालामुखी, विश्व के जो पर्वत हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं, यहाँ से बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जितना मैंने लिख दिया है और जितना मैंने आपको वीडियो में बताया है, इतना अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो जीके का आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है, वो बहुत इजी है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। आपने बचपन से पढ़ा होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रह आपने 9 ग्रह थे पहले, अब 8 हो गए हैं, तो आपने ये 8 ग्रह बचपन से रटे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो आपको याद रखना है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है, तो बुध है, सूर्य के सबसे पास। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। ये तो मोस्ट 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 ट्रिपल मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सूर्य ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। ऐसे ही चंद्र ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है। ये मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के बाद आपको भूलना नहीं है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। कब होता है? केवल अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य ग्रहण की कौन सी स्थिति बनती है, यानी कि कब स्थिति बनती है जब सूर्य ग्रहण होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आपको याद रखना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। जैसे ये अर्थ है और ये सन है, और इसके बीच में अगर मून आ जाएगा तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण। तो ये आपको याद रखना है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब होता है सूर्य ग्रहण। ये बदल बदल के दे देता है कि पृथ्वी आ जाती है बीच में, कभी चंद्रमा, बदल ऐसे चार ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है, जब चंद्रमा बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य अगर पूछे तो आप तुरंत कर दीजिए कि चंद्रमा बीच में है।
जैसे ही सूर्य ग्रहण पूछे आप तुरंत कर दीजिए कि चंद्रमा बीच में है, ठीक है? इस तरह से आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर, यानी कि सूर्य के पास कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी सूर्य के पास सबसे सर्वाधिक पास कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इस स्थिति को कहा जाता है उपसौर। अब ये पूछ लिया कि सबसे पास कौन कब होती है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है। तो ये आपको याद रखना है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इस स्थिति को कहा जाता है अपसौर। ये आपको याद रखने हैं दोनों क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के पास सबसे पास कब होती है और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, ठीक है? और इन स्थितियों को क्या कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इसीलिए ये मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं कि आप भूलें ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य का आकार आप जानते हैं, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो ये है 109.2 गुना। कई बार ऑप्शन में केवल 109 गुना लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जैक्ट है 109.2 गुना। और अगर आपसे ऑप्शन में केवल इतना लिख दिया जाए कि 109 गुना, तब भी आपको याद रखना है, ठीक है? 109 पे टिक कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, ट्रिपल मोस्ट लिखा है, तो बहुत ध्यान से याद रखना है। केवल दो ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। सूर्य के बाद के ये दो ग्रह हैं, सूर्य से अगर चलेंगे आप, तो बुध शुक्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र। पहले दूसरे नंबर के ये जो ग्रह हैं, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि इनमें से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों में से कोई एक रख देगा और 3 कोई और रख देगा, ऐसे क्वेश्चन बना देता है। क्वेश्चन क्या बनाता है कि इनमें से किस ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, तो आपको याद रखना है केवल ये दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे तो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। क्या कि पृथ्वी की जुड़वां बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वां बहन। अब शुक्र के कुछ और नाम भी हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद रखने हैं। शुक्र को ही कहा जाता है सबसे चमकीला ग्रह, शुक्र को ही कहा जाता है सुबह का तारा, शुक्र को ही कहा जाता है शाम का तारा। तो शुक्र के इतने नाम हैं, पृथ्वी की जुड़वां बहन, सबसे चमकीला ग्रह, सुबह का तारा और शाम का तारा। तो शुक्र के इतने नाम आपको याद रखने हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हिंदी की वीडियो अपलोड कीजिए, हिंदी के मैं बहुत सारे टॉपिक की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, हिंदी में आपसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा? समास पूछेगा, संधि पूछेगा, और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तत्सम तद्भव, ये सब क्वेश्चन, उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, यही सब टॉपिक हैं, और हिंदी साहित्य से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो हिंदी के कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे समास है, तत्सम तद्भव है, ये वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये समास की वीडियो है, ये तत्सम तद्भव की वीडियो है। आप इन वीडियोज को जरूर देखिए, और हिंदी के जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे पर्यायवाची है, कुछ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची दूंगा, जैसे संधि का मैंने अपलोड नहीं कर पाया है, तो संधि की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो जितने टॉपिक मैंने हिंदी के अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें पहले देख लीजिए। जैसे ये समास की वीडियो है, इसे आप जरूर देखिए, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो समास आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। ऐसे ये तत्सम तद्भव की वीडियो है, अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो तत्सम तद्भव आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। तत्सम तद्भव की ये वीडियो 15 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप तत्सम तद्भव की ये वीडियो देख लेंगे, इसमें मैंने कुछ ट्रिक्स बताई हैं तत्सम तद्भव को पहचानने की, तो अगर आप ये कुछ ट्रिक्स सीख लेंगे तो आप तत्सम तद्भव किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि हिंदी के जो टॉपिक मैंने अपलोड कर दिए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, और हिंदी के जो टॉपिक रह गए हैं, उन्हें हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी भी है और बहुत पूछा भी जाता है कि पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है। तो ये लगता है 8 मिनट 17 सेकंड। तो कई बार केवल 8 मिनट ही लिख देता है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगती हैं, लेकिन कई बार सिंपल केवल 8 मिनट लिख देता है, तो आपको 8 मिनट पर भी टिक कर देना है। लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखा जाए तो आपको याद रखना है 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध और पृथ्वी के निकटतम ग्रह है शुक्र। और शुक्र के मैंने आपको अभी कुछ नाम बताए थे, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र के नाम हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सूर्य के सबसे पास निकट है, सबसे निकट ग्रह है बुध, और पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र, ठीक है? इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? आप जानते हैं हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि एक परिक्रमा लगाने में, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं, और कई बार ये ऐसे लिख देता है 365 सही 1/4 दिन, तो ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 365.25 दिन या 365 सही 1/4 दिन लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो ये है बृहस्पति, और बृहस्पति के पास ही सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया था सूर्य ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, ठीक है, यानी कि फुल मून को होता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है? चंद्र ग्रहण की स्थिति जब होती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण में क्या था? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ रहा था, लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या होता है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जैसे ये सन है और ये मून है, तो ये अर्थ आ जाएगी इन दोनों के बीच में, तब क्या होगा? चंद्र ग्रहण। तो ये स्थितियां आपको याद रखनी है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है और चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है कि किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर टाइम के होते हैं, ये डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई बार उत्तरी गोलार्ध पूछा जाता है, कई बार दक्षिणी गोलार्ध पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, और 21 जून को ही क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड योगा डे, तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। और अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, ये 34 साल से लगातार एक्टिव है। ये तो आपको अपने इंटरेस्ट के लिए याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, और ये कहाँ पे है? ये है अमेरिका के हवाई द्वीप पर। कहाँ पे है? अमेरिका के हवाई द्वीप पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये क्वेश्चन तो शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम बचा होगा जिसमें न पूछा गया हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सीस्मोग्राफ से। कई बार ये पूछ लेता है कि सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो आपको याद रखना है भूकंप की तीव्रता। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, सीस्मोग्राफ से, और सीस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, उसे आप नोट कर लीजिए, कई बार पूछ ले जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, तब ये सीस्मोग्राफ भी दे देता है और रिक्टर स्केल भी दे देता है। आपको याद रखना है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस स्केल पर मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल पर। किस से मापी जाती है? तो सीस्मोग्राफ से। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है,
भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापी जाती है, लेकिन कौन से पैमाने पर मापी जाती है या किस स्केल पर मापी जाती है, तो आपको याद रखना है रिक्टर स्केल पर। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और एक जगह नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? आप जानते हैं एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं और एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है, तो आपको याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया है। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन रख दिया है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, 50 देश, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिए, प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, प्रति व्यक्ति भूमि। अब ये क्या होता है, जैसे अगर आप ऑन एन एवरेज निकालें कि एक इंसान के हिस्से में कितनी जमीन पड़ रही है, तो ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ती है। आप जानते हैं क्षेत्रफल में एशिया सबसे बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो है एशिया की। अगर उसको आप एवरेज निकालेंगे तो प्रति व्यक्ति भूमि एशिया के व्यक्ति के पास कम है, लेकिन अगर सभी महाद्वीप में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति भूमि है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, ये मुझे याद आ गया अभी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ये कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। और ये कौन सी है, एंडीज। ये 7200 किलोमीटर लंबी है। कितनी, 7200 किलोमीटर लंबी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे है, ड्राकेन्सबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में है ड्राकेन्सबर्ग पर्वत, और ये 3482 मीटर ऊंचा है। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा है, या सबसे ऊंचा लिखा है, तो यहां पे आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। 3482 मीटर है दक्षिण अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है ये ड्राकेन्सबर्ग। और पूछा क्या जाता है कि ड्राकेन्सबर्ग पर्वत है कहां पे, तो आपको याद रखना है दक्षिण अफ्रीका में। तो ये था हमारा सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन का 20वां पार्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था तो आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने हमारी पुरानी वाली वीडियोस को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बता देंगे। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। आपको इस वीडियो की और यूपी पुलिस की सभी वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।